हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्र बीकॉम, ध्यान से देखिएगा, जो भी छात्र बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट सेमेस्टर में है। मतलब क्या है, फर्स्ट ईयर है आपकी, फर्स्ट मतलब पार्ट वन है, और आपका क्या है मतलब फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। तो वहां हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो पेपर होता है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर होगा आपका बीकॉम वालों का, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का। इसमें क्या है बेटा, आप एमजेपी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी से है हो? आप एमजेपी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है बेटा। ये कहाँ है बेटा? बरेली में। जो भी छात्र है यहाँ से याद रखिए, ठीक है, बरेली में है। और इसमें हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं 2022 में आने वाले, मतलब कि जनवरी में आपका पेपर होगा, जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा, ये समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है, जनवरी या फरवरी में। तो आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ देखो, क्योंकि देखो ये बात जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेना, मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से 85% मतलब कि 85% यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन क्या बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू बनेंगे, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एमसीक्यू में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा उसके लिए मैं तरीका बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा मतलब कि उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा एमसीक्यू के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थ्योरी आपको क्या पढ़नी है वो ध्यान दो। जैसे कि हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या टॉपिक दे रखा है, अपने बुक नोट्स गैसे पर जो भी है आपके पास में उस पर टिक लगा लो कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है आपके यूनिवर्सिटी एमजेपीआर रोहलखंड यूनिवर्सिटी। और कर दो तो बता देना, जाओ इतना मैं कह रहा हूं तुमसे, ठीक है, पास मैं करा दूंगा तुम्हें। और बताओ, इतना ध्यान रखो हमेशा मैं जो बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को टिक लगा लो अपने बुक में, नोट्स में, गैस पेपर में, जो भी है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे, आपके पास क्या चीज है ये बताओ, नोट्स है, गैस पेपर है, बुक है, कोचिंग तो पढ़े नहीं होगी मुझे पता है, सीरीज ले आते हो मार्केट से खरीद के, चलो उस पर टिक लगा लो। आपके पास जो भी सीरीज हो, जिसकी भी हो, उस पर टिक लगा लो। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले क्वेश्चन पर टिक लगाओ। देखो व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, एक बात बताओ, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या है, कोई हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो व्यवसाय के प्रकार कितने होते हैं। जब हम देखो ये व्यवसाय का अर्थ देखेंगे तो उसके प्रकार को याद करेंगे, उसकी विशेषता को याद करेंगे, उसकी विशेषता क्या क्या है, प्रकार की विशेष मतलब कि हमारे व्यवसाय की विशेषता क्या है, और उसके महत्व और उसके विकास की अवस्थाएं, मतलब हम किस अवस्थाओं में हम व्यवसाय को उत्पन्न कर सकते हैं, उसके हमें अवस्थाएं बतानी है। अब व्यावसायिक संगठन का महत्व क्या होता है, व्यावसायिक संगठन का महत्व क्या होता है, इस क्वेश्चन पर टिक लगाओ, व्यावसायिक संगठन का महत्व पर, ठीक है, लगा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2022 जो जनवरी फरवरी में आपका पेपर होगा, याद रखो अभी हाल ही में सेमेस्टर वालों, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं जाएगा। एमजेपीआरयू रोहलखंड वाले कान खोल के सुन ले, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो एक नवीन व्यावसायिक इकाई की स्थापना कैसे होगी बताओ, और उनकी समस्याएं कौन कौन सी समस्याएं आएंगी जब एक हम नवीन व्यावसायिक इकाई को खोलेंगे, तो यूनिट इकाई को बोलते हैं, उनके प्रारूपों का वर्णन करना है बेटा, उनके प्रारूप क्या क्या है वो देखना है, ठीक। उसके बाद में है एकांकी व्यापार क्या होता है बेटा, एकांकी व्यापार क्या होता है ये आपको बताना है, उसके गुण दोष उनकी विशेषताओं के बारे में याद कर लेना है, मतलब एकांकी व्यापार क्या है उसके गुण और दोष की विशेषताओं के बारे में आपको याद करना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी, साझेदारी तो आप जानते ही होंगे, अब भाई किसी से साझेदारी करोगे, कोई बिजनेस खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, तो साझेदारी आप उसमें कर रहे हो, तो साझेदारी में क्या है, साझेदारी के लक्षण क्या है, लक्षण क्या होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है, और आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनके गुण दोष क्या होते हैं। यदि आपने साझेदारी की, आपने यदि साझेदारी किसी से साझा किया, मतलब कोई बिजनेस खोला तो साझा किया, तो उसके लाभ क्या देखने को मिलेंगे और क्या दोष देखने को मिलेंगे, और ये कितने प्रकार से हम साझेदारी कर सकते हैं, कई टाइप हो सकता है ना साझेदारी करने का, तो वो टाइप आपको यहाँ देखना है, याद करना है। आप एक बार क्वेश्चन को आंसर को पढ़ लोगे ना तो बना बना के कराओगे। देखो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जब पेपर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसको चाहे कुछ भी करो, बना बना के करके आओ, कुछ भी आओ, लेकिन करके पूरे आना, छोड़ के नहीं आना है पेपर में, बस आपको फेल कोई नहीं करेगा, याद रखो। और आपने कॉपी मतलब क्वेश्चन आया नहीं आ रहा है आपको और छोड़ के चले आए तो मैं समझ लो तो वो तो उसमें नंबर थोड़ी मिलने वाले, लेकिन आप बना बना के कराओगे ना, मतलब क्वेश्चन यदि आपने पढ़ा है, आंसर पढ़ा है उसका एक बार, तो आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में जरूर आएगा कि यार मैंने वो पढ़ा है, मुझे करना चाहिए, थोड़ा बना बना करना चाहिए, आप वो करके आएंगे और अच्छे नंबर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन साझेदारी हो गया, उसके बाद में कंपनी का अर्थ क्या होता है बेटा, कंपनी दो प्रकार की होती है तुम्हें पता है, कंपनी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है निजी कंपनी, एक होती है सरकारी कंपनी। निजी कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी, मतलब मेरी कंपनी है, मैंने खोल के रख ली, काम करा रहा हूं मैं। एक है सरकारी कंपनी,
जो सरकार के अंडर में रहती है वो चीज, उनके आवश्यक तत्व कौन कौन से वो देख लेना है। देखो सहकारी यहाँ बोला है सहकारी संगठन का अर्थ क्या होता है, सहकारी संगठन के अर्थ के बारे में देख लेना और उनके लक्षण के बारे में देख लेना, ठीक है। गुणदोष देखो तो देख लेना, न तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है उसके, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन षड्यंत्र, देखो यहाँ देखो यहाँ बोला गया षड्यंत्र स्थायीकरण क्या होता है, इसका अर्थ बताना है, इसको बताओ षड्यंत्र स्थायीकरण का अर्थ बताना है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, षड्यंत्र स्थानीकरण को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं वो आपको बताना है, उसके लाभ और उनके लाभ और महत्व के बारे में याद कर लेना, क्या लाभ है इनसे और क्या हमें महत्व मिलते हैं। महत्व का मतलब होता है इंपोर्टेंस, कैरेक्टर, जो विशेषताएं होती है उसकी बात की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहां बोलो देखो क्या बोला गया, वेबर के देखो यहां कह रहा है वेबर के उद्योग के स्थान, वेबर के उद्योगों के स्थान निर्धारण का सिद्धांत, एक वेबर ने क्या दिया था बेटा, वेबर ने एक सिद्धांत दिया था, इसको याद रखो, वेबर ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम उद्योगों के स्थान निर्धारण का सिद्धांत दिया था। उद्योगों का जो स्थान निर्धारण है, मतलब एक स्थान को निर्धारण किया जाए, उसका एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत पर फॉलो होते हैं, कोई भी उद्योग खोला जाता है तो उसके हिसाब से आप याद करो, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझ में आ रहा है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप सभी लोग। ठीक है, समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक लगाएंगे। एक होता है षड्यंत्र अभिन्यास, देखो षड्यंत्र अभिन्यास क्या है, हमने ऊपर पूछा षड्यंत्र स्थानीकरण के अर्थ, अब है षड्यंत्र अभिन्यास क्या है, इसके लाभ और उद्देश्य और प्रभावित करने वाले तत्वों को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और इसके स्थान निर्धारण क्या होता है, मैंने स्थान निर्धारण शायद ऊपर बताया था, ठीक है, स्थान निर्धारण के बारे में वो याद कर लेना, यहां देख लेना स्थान निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो वो चीज देखो, ठीक है, इसके स्थान निर्धारण के बारे में याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, देखो व्यावसायिक इकाई से क्या समझते हैं, क्या आस है, मतलब क्या परिभाषा है भाई, व्यावसायिक इकाई मैंने ऊपर बताया था एक जो न्यू मतलब नवीन व्यावसायिक इकाई यूनिट के बारे में क्या होता है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ऊपर ही कर लोगे तो भी यहां याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाओ बेटा, यह क्या है, संयोजन से आप क्या समझते हैं, देखो संयोजन क्या है, संयोजन की परिभाषा आपको देख लेनी है, संयोजन का मतलब क्या है, संयोजन की परिभाषा, संयोजन से आप क्या समझते हैं, उनके लाभ क्या है, गुणदोष के बारे में। अब देखो संयोजन तीन चार प्रकार के होते हैं, यहां देखो संयोजन दे रखा है, एक होता है क्षैतिज संयोजन, एक होता है व्यावसायिक संयोजन, एक होता है लंबवत संयोजन, एक होता है वित्तीय या फिर चक्रीय संयोजन, ठीक है। तो ये संयोजन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है बेटा, व्यावसायिक संयोजन इंपोर्टेंट है, उनके प्रकार को याद करना, ये संयोजन इंपोर्टेंट है, क्षैतिज संयोजन इंपोर्टेंट है और चक्रीय संयोजन इंपोर्टेंट है, ये तीन संयोजन को अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपका फंस जाएगा यहां से, ठीक है। उसके बाद में है देखो कह रहा है विभिन्नीकरण से आप क्या समझते हैं, विभिन्नीकरण क्या है, तो विभिन्नीकरण जिसे विभिन्नीकरण कहते हैं, विभिन्नीकरण क्या है, उसका आपको लाभ बताना है, ये पढ़ लेना, विभिन्नीकरण शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन शॉर्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, देखो ये है वाणिज्य और उद्योग में अंतर, वाणिज्य किसे कहते हैं और उद्योग किसे कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर देख लेना है। यहां बोला गया है व्यापार और पेशे में अंतर, व्यापार और पेशा क्या होता है, पेशा कहते हैं ना, पेशा एक हमारा पेशा है, पैसा कमाना, मतलब एक तरीके से कहते हैं वो वाला काम, समझ लेना तुम कुछ और समझ रहे हो कि मेरा इस काम से पेशा है, हाँ एक पेशा होता है एक होता है व्यापार, समझ रहे हो ना, इन दोनों में अंतर। उसके बाद में कह रहा है देखो यहां कह रहा है व्यवसाय, यहां बोला है व्यवसाय के जो परिवर्तन होता है उससे क्या आस है, व्यवसाय परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाएं स्टेज मतलब कौन कौन सी स्टेज में परिवर्तन होता है व्यवसाय में वो आपको देखना है, उनके कार्य और प्रकार को याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बस इतने क्वेश्चन अब ना आए, दो तीन क्वेश्चन और उसके बाद कुछ क्या, कोई ज्यादा खास छोड़िए क्वेश्चन, मतलब ये तो आप एक बार पढ़ोगे तो फटाफट क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप लगा दोगे, ठीक है, मतलब एक बार पढ़ने के बाद में आप हर क्वेश्चन का आंसर सटीक दोगे, मतलब वहां जाके ऐसा होगा ना, मतलब पेपर जब आप देने जाओगे, याद रखना जब पेपर देने जाओगे आप क्या होगा, तो आप उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आओगे, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है, हर क्वेश्चन का आंसर सही लगा के आओगे, उसमें ये होगा कि बना बना के करना होगा, लेकिन आप पढ़े हुए होगे ना क्वेश्चन को तो आप बना बना के कर दोगे, लेकिन करके जरूर आओगे, छोड़ के क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आओगे, ये है मेरा कहने का तरीका, लेकिन आप एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने से होता है, आंसर जब पढ़ लोगे आप तो ये होगा कि आप उसको बना बना के कर दोगे, क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, मतलब ये हो जाए, मतलब कुछ भी पेपर में वो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दे हमसे, समझ रहे हो, हम उसको बना बना के कर आएंगे, ध्यान रखना,
और बना बना के तभी करके आएंगे जब उसे हम पढ़ लिए होंगे एक बार, तभी तो बना बना के, तभी तो मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना, मैं आपसे वादा करता हूं फेल करने वाला नहीं है, 85% यही क्वेश्चन आएंगे, कोई फेल करने वाला नहीं है। एग्जाम से पहले भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, चिंता मत करो, दो दिन पहले एक दिन पहले बता दूंगा ये पढ़ा लो, ये आ रहे हैं पढ़ लो, तो वो पढ़ लेना। लेकिन अभी तुम बस इतने पढ़ो, इतने जो क्वेश्चन दे रहा हूं इन्हीं क्वेश्चन में दूंगा, लेकिन अभी इतने पढ़ो। यहां कह रहा है संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, बेटा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषता बतानी है, हिंदू परिवार का कोई व्यवसाय खोला हुआ है तो उसका क्या विशेषताएं होंगी, कुछ विशेषताएं बता देनी है। उसके बाद में बोला है रेखा और उत्पादन, रेखा को हम या फिर उत्पाद अभिन्यास भी कह सकते हैं, उस पर टिप्पणी दिखना है। और लास्ट में है विवेकीकरण, मैं ऊपर बता चुका हूं विवेकीकरण क्या होता है, विवेकीकरण ऊपर बता चुका हूं, लेकिन इसमें राष्ट्रीयकरण, इसमें दो चीज दे रखे हैं, विवेकीकरण और राष्ट्रीयकरण में अंतर आपसे पूछा है, तो इसको एक बार पढ़ लेना विवेकीकरण और राष्ट्रीयकरण के बारे में, ये अंतर देख लेना है। बाकी हम मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा कि भाई और कुछ पढ़ो, उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिजनेस जो कम्युनिकेशन है उसके बाद सेकंड पेपर में हम जाएंगे, जो हमारा दूसरा आपका पेपर होगा देख लो सेमेस्टर वालों का ही, बिजनेस कम्युनिकेशन को देखेंगे जिसे हम व्यवसायिक संप्रेषण बोलते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दूसरा लिंक है जिसका चैनल का नाम है बीकॉम बाई पेपर हैकर, जिसमें हम बीकॉम की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आपका जो सिलेबस चलेगा बेटा, जो इन क्वेश्चनों के आंसर चलेंगे वो उस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।